Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss about risk. What is risk? Why one should take a risk? Or what are the reasons of taking risk? And how many types of risks are there in business? And then we will discuss that how a risk can be managed. So let's start with what is risk. जब हम business की बात करते हैं तो या even practical life में जब भी हम फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो डिसीजन हमेशा अनसर्टेन होता है। अगर फ्यूचर के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी होती है हर तरह से। जब फ्यूचर की कोई डिसीजन हो, वो अनसर्टेनिटी दो तरह की होती है, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, अगर हम इसको देखें तो अगर एक हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हो सकता है वो बिजनेस बहुत ही अच्छा चले और पहले ही साल वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दे, तो ये पॉजिटिव अनसर्टेनिटी है। ऑन द अदर हैंड मे बी वो बिजनेस न चले, उसमें हमारा रिसर्च फ्लॉप हो, उसमें हमारे प्रोडक्ट फ्लॉप हो, उसमें मैं प्रॉफिट की बजाय खुदा न खास्ता लॉस हूँ, तो ये नेगेटिव अनसर्टेनिटी है। तो सर्टेनिटी वो अनसर्टेनिटी जिसमें लॉस का खदशा हो, जिसमें लॉस हो, वो रिस्क कहलाती है। रिस्क इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग समथिंग ऑफ वैल्यू। जब हम किसी चीज को लूज करते हैं तो वो रिस्क कहलाता है। पॉजिटिव अनसर्टेनिटी को हम या पॉजिटिव रिस्क कह सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको रिस्क नहीं कहते। रिस्क सिर्फ नेगेटिविटी के साथ हम उसको लिंक करते हैं। जब हम एक एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं या एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसमें रिस्क होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस होगा। जो लॉस होता है, वो जो लॉस का खदशा होता है, उसको हम रिस्क का नेम देते हैं। रिस्क इंप्लाइज फ्यूचर अनसर्टेनिटी अबाउट डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड अर्निंग और एक्सपेक्टेड आउटकम। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो उससे डेविएशन या वेरिएशन रिस्क कहलाता है। फाइनेंस में हम पहले भी कई जगह पे डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं, इज डेविएशन और वेरिएशन फ्रॉम मीन, एवरेज से, हमारे एक्सपेक्टेड से, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से जो डेविएशन या वेरिएशन होती है, तो वो ऐसे बेसिकली अनसर्टेनिटी, और वो भी नेगेटिव अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी ऑफ लॉसेस जो होता है, जो लॉस में हो रहे होते हैं, उसको हम रिस्क कहते हैं। रिस्क मेजर्स द अनसर्टेनिटी दैट एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू टेक टू रियलाइज अ गेन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। तो ये वो अनसर्टेनिटी है जिसको एक बंदा, जिसके लिए तैयार होता है कि वो अनसर्टेनिटी के साथ जब उसको वो गेन करना चाहता है तो उसको रिस्क कहते हैं। तो बेसिकली इसकी अगर हम कोई एक आध और एग्जांपल ले लें, तो अगर आप एक इवेंट करना चाह रहे हैं और इस इवेंट में आपने 300 लोगों को मदऊ किया है, अगर तो वो 300 की बजाय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 लोग आएंगे। अब अगर ऐसा होता है कि 200 लोग आते हैं और 200 लोगों को आप खाना तैयार करते हैं, तो फिर तो कोई लॉस एज सच नहीं है, फिर अनसर्टेनिटी पॉजिटिव है, कोई इतनी लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा कि 200 आएंगे, 100 आएंगे, 300 आएंगे, अब आप 100 का खाना तैयार कराएं या 200 का कराएं या 300 का कराएं, अगर आप 300 का खाना तैयार करते हैं और 100 लोग आते हैं, तो ये लॉस है वो खाने का और उस पेमेंट का, और वो डिसप्लेजरमेंट होती है आपको। और इसी तरह अगर आप 100 के खाना तैयार करवाएं और बंदे 200 आते हैं, तो भी मसला हो जाता है, तो ये एक रिस्क है। लेकिन अगर आप उनको रेडीमेड चीज़ से, फॉर एग्जांपल अगर बेवरेजेस वगैरह सर्व करना चाह रहे हैं, तो उनमें एज सच इतना लॉस नहीं होता, फिर उसमें रिस्क नहीं होता। तो इस तरह से हम रिस्क को देख सकते हैं। लेकिन ये रिस्क किसी ने क्यों लेना होता है, क्या इस रिस्क को हम अवॉइड भी कर सकते हैं या ये रिस्क अनअवॉइडेबल होता है, तो इस चीज़ को हम अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है कि रीजंस ऑफ रिस्क अनअवॉइडेबल और रिवार्ड और बेनिफिट। तो रिस्क के दो टाइप हैं, एक तो वो है जो अनअवॉइडेबल है और एक वो है जो हम रिवार्ड और बेनिफिट के लिए लेते हैं। तो इन दो रिस्क के टाइप्स को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट में अगर आप बैट्समैन हैं और आप बैटिंग कर रहे हैं और आपके सामने एक फास्ट बॉलर है, तो वो जब बॉलिंग करते हैं तो या तो वो बॉल आपके सीधा विकेट में आ रही होती है, या वो बॉल ऑफ साइड पे या लेग साइड पे जा रही होती है, तो वो आपके विकेटों से साइड पे होती है। अब अगर वो बॉल आपके विकेटों पे आ रही है तो वो अनअवॉइडेबल रिस्क है, उसको मतलब अगर आप उस बॉल को खेलेंगे नहीं तो वो सीधा विकेटों में जाएगा और आप आउट हो जाएंगे, तो ये अनअवॉइडेबल रिस्क है। और दूसरी बॉल जो आपके विकेटों से बाहर जा रही है, ऑफ स्टंप पे है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, तो वो अवॉइडेबल रिस्क है। जरूरी नहीं कि आप उस गेंद को बैट्समैन खेले, लेकिन हाँ, अगर उस गेंद को बैट्समैन खेलना चाहेगा और खेले, तो उसमें रिवार्ड्स के ज्यादा चांस हैं, बेनिफिट के ज्यादा चांस हैं। उसको अगर अच्छा खेल जाए तो वो वहां पे
छक्का और चौका या सिंगल डबल जो भी हो उसमें से उसको रिवार्ड मिल सकता है, लेकिन जहरी बात है रिस्क उसमें भी है, लेकिन वो रिस्क अनअवॉइडेबल है, सॉरी अवॉइडेबल है, वो रिस्क अवॉइडेबल है, उसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन अगर वो रिस्क लेते हैं तो उसमें रिटर्न और रिवार्ड है। और ये दूसरी टाइप जो बाल सीधा विक्टिम में आ रही है वो अनअवॉइडेबल है। तो इसी तरह बिजनेस में भी, बिजनेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ गेम, टू एनी गेम, टू क्रिकेट। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अनअवॉइडेबल होती हैं, कुछ चीजें अवॉइडेबल होती हैं। अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने जहरी बात है एक प्लांट लगाया हुआ है तो प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो वो तो अनअवॉइडेबल है, वो तो आपने करना ही करना है उसमें, लेकिन जहरी बात है कि रिस्क इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स लेने की तरफ जा रहे हैं, एक बिजनेस को एक्सटेंड करने की तरफ जा रहे हैं, तो जहरी बात है उसमें फिर ज्यादा रिवार्ड होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है। तो अगर हम देखें कि उसकी रीजन जो कि हमने डिस्कस की है, अनअवॉइडेबल है, पीपल टेक रिस्क बिकॉज दे कैन नॉट लीव इट आर कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट टेकिंग रिस्क। जैसे कि बाल अगर विक्टिम में आ रही है या आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो प्रोडक्ट्स आपने लेने ही लेने हैं, तो उसको अवॉइड नहीं किया जाता है। फार्मर है, जब वो फसल काश्त करते हैं तो जाहिर बात है कि उसने फसल काश्त कर दी है, अगर वो कोई बारिश आ जाए जो वक्त पे ना हो, या कोई इस तरह के कोई वो आ जाए, वो जो चीज़ों को, फसलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन वो अनअवॉइडेबल है, तो वो तो आना ही आना होता है। इट मे हेल्प एंटरप्रेन्योर टू मेक बेटर डिसीजन फॉर हिम एंड फॉर हिज कंपनी। जाहिर बात है कि उसमें फिर वो सीखते हैं वक्त के साथ साथ, ताकि वो कंपनी के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए अच्छे डिसीजन ले सकें। जो दूसरा है रिवार्ड और बेनिफिट से मुतालिक है, पीपल में टेक रिस्क बिकॉज दे कैन विन जैकपॉट। रिवार्ड एंड बेनिफिट मीन दे मे हैव गुड लक, एंड बाई इन्वेस्टिंग इन सम प्लेस एंड टेकिंग रिस्क दे कैन गेट मोर बेनिफिट्स। बाहर वाली जाती हुई गेंद को अगर वो खेल दें तो हो सकता है कि चौका और छक्का हो। ऐसी तरह के आप रिलेटेड बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई और ऐसा प्लान करें जो कि आपके डेली लाइफ के रूटीन से हटके है, तो वो हो सकता है आपको ज्यादा रिवार्ड दे। तो थोड़ी सी डिस्कशन अनसर्टेनिटी जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आगे जाते हुए तो इतने सारे रास्ते हैं और इतनी सारी कन्फ्यूजन हैं, तो फ्यूचर अनसर्टेन तो है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा रास्ता आपको थ्रू तक ले जाएगा और कौन से रोड पे चलेंगे तो आपको आपके लिए बेहतर है। व्हेन एवर ए रिस्क अकर अनसर्टेनिटी आल्सो एग्जिस्ट देयर। अच्छा, जब रिस्क होता है तो अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती है तो जरूरी नहीं कि रिस्क हो। अनसर्टेनिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हाउएवर रिस्क में अनसर्टेनिटी होता ही है। तो अगर हम इसको देखें कि काजेज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या हो सकते हैं, रिस्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइज इन अनसर्टेनिटी। रिस्क का ताल्लुक अनसर्टेनिटी से बहरहाल है, अनसर्टेनिटी का ताल्लुक लाजमी नहीं कि रिस्क से हो, इट कैन बी ए पॉजिटिव आउटकम। तो चांसेस ऑफ गेटिंग रिस्क और नॉट, इसमें आप हो सकता है कि रिस्क हो या ना हो, जैसे कि मैंने पहले कहा था पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मेन कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी इज द यूज ऑफ इनसफिशियंट और अनरिलायबल इंफॉर्मेशन बाई मैनेजर्स। ये तो किसी हद तक फोरकास्ट की बात हो रही है कि आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा तो आप करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, कम इंफॉर्मेशन होगा तो आपका डिसीजन बहुत ज्यादा अनसर्टेन होगा। लेकिन अगर फिर भी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन हो, फ्यूचर इज नॉट प्रिडिक्टेबल, तो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी और रिस्क बहरहाल मौजूद है। जैसा कि हम मेन जो रिस्क के टाइप्स हैं जब हम डिस्कस करते हैं कि एक सिस्टमेटिक रिस्क है और अनसिस्टमेटिक रिस्क है, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क अवॉइडेबल है और सिस्टमेटिक रिस्क अनअवॉइडेबल है, तो यहाँ भी हम वो बात कर सकते हैं। टू ओवरकम दिस यूज ऑफ हिस्ट्री एंड पास्ट डेटा, तो इसमें हम हिस्ट्री और पास्ट का डेटा यूज करके सम हाउ हम उनको सर्टेन बना सकते हैं और अनसर्टेनिटी को पॉजिटिव कर सकते हैं। प्रॉपर एंड एक्यूरेट फॉरकास्ट अबाउट फ्यूचर कंपनीज हायर प्रोफेशनल, तो इसके लिए कंपनी प्रोफेशनल हायर करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आगे चल के हमसे ये सारी चीजें होती हैं, बेसिकली ये रिस्क से रिलेटेड बातें हैं। जब भी हम रिस्क की बात करते हैं तो इसमें रिस्क अवर्जन भी होता है, रिस्क टेकर भी होते हैं, रिस्क लवर भी होते हैं। तो रिस्क अवर्जन बेसिकली वो लोग होते हैं जिनका एटीट्यूड, जो इंडिविजुअल का एटीट्यूड है, जो कंज्यूमर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका जो रिस्क की तरफ जो रुझान है, वो उस रिस्क को जब कम करने की कोशिश करते हैं तो उनको कहते हैं ये रिस्क अवर्स लोग हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक से फॉर एग्जांपल जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो कुछ लोग इन्वेस्ट उसको उस गाड़ी को खरीदने के बाद उसके लिए उसका इंश्योरेंस करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो जब इंश्योरेंस नहीं करते वो समहाउ रिस्क टेकर हैं आप कह सकते हैं, जो इंश्योरेंस कर रहे हैं
उस रिस्क को, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट को, रिस्क ऑफ लॉसेस को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा के वो उन रिस्क को एवर्स कर रहे होते हैं। इसी तरह बिजनेस में आप देखें, कुछ लोग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग बिजनेसेस में सॉरी बैंक्स में जाके टीबिल्स वगैरह लेते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, और कुछ लोग जाके बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में, शेयर में। तो वो जो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, और जो एवर्जन वाले होते हैं वो कम रिस्क की तरफ जा रहे होते हैं। रिस्क अवर्जन इज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, स्पेशली कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर्स, हु व्हेन एक्सपोज टू अनसर्टेनिटी अटेम्प्ट टू लोअर दैट अनसर्टेनिटी। जब भी उनको अनसर्टेनिटी का सामना हो तो वो अनसर्टेनिटी को कम से कम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे चलकर हम रिस्क मैनेजमेंट के टाइप्स में इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से मिनिमाइज किया जाता है। तो एक कंसेप्ट है रिस्क एक्सपोजर। तो जो भी इंसान हो, हर तरह के इंसान, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और बिजनेस में भी, बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं जिसको एक्सपोज हो रहा होता है। से फॉर एग्जाम्पल, एक आम आदमी है, अगर उसकी जॉब परमानेंट नहीं है तो वो ज्यादा एक्सपोज है टुवर्ड्स दैट रिस्क, और अगर एक परमानेंट है तो वो इतना उस रिस्क से एक्सपोज नहीं है। अगर एक प्रोफेसर है और एक टेन्योर्ड है तो वो उस रिस्क से इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं है, उतना ज्यादा उसको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। रिस्क एक्सपोजर इज द मेजर ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और इवेंट। उस इवेंट और एक्टिविटी की वजह से जो उसको लॉस का खदशा है, जो खतरा है, वो उसका रिस्क एक्सपोजर है। द मेजरमेंट ऑफ लॉस फेस्ड इन फ्यूचर दैट कमिंग फ्रॉम अ पार्टिकुलर इवेंट। उस इवेंट की वजह से जो लॉस का खतरा है, जो रिस्क है, उसको हम रिस्क एक्सपोजर कहते हैं। तो इसको हम फर्दर अगर एक्सप्लेन करना चाहें, इफ यू फेस अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क बिकॉज ऑफ योर जॉब, द नेचर ऑफ योर बिजनेस और योर पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, यू आर सेट टू हैव अ पार्टिकुलर रिस्क एक्सपोजर। तो इसमें वही एग्जाम्पल जो कि मैंने पहले आपको दी है, तो इसको हम रिस्क एक्सपोजर कहते हैं। तो इसमें आप अगर देखें कि इफ योर बिजनेस सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यू आर एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ एन एडवर्स चेंज इन करेंसी एक्सचेंज रेट। तो इसमें आप, अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनली है तो आपको एक एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है। अगर आपके पास ज्यादा लोन आपने लिया हुआ है, इफ यू आर ए फार्मर, यू आर एक्सपोज टू बोथ टू द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर एंड टू द रिस्क ऑफ अ डिक्लाइन इन द प्राइस एट विच यू कैन सेल योर क्रॉप्स। तो हर एक की जो एक्सपोजर टूवर्ड रिस्क है वो डिफरेंट है। फार्मर के लिए कि फसल ठीक हो ना हो, बारिश वक्त पर हो ना हो, पानी उसको मिले ना मिले, वो सही प्राइस पे बिके ना बिके। इसी तरह अगर शुगर मिल मालकान है तो उनको अगर वो क्रॉप गन्ने की फसल मिले ना मिले, अगर फसल ठीक ना हुआ तो उनको भी इनपुट का नुकसान हो सकता है, और शुगर की प्राइस हो सकता है डिक्रीज कर जाए। तो हर एक को अपने रिस्क एक्सपोजर हैं उसके बिजनेस के लिहाज से। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए, देखें तो रिस्क फेस्ड बाय ए फर्म कौन से रिस्क हैं। तो यहाँ पे हम बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क की बात, फाइनेंशियल रिस्क भी एक तरह से बिजनेस रिस्क में आता है। तो बिजनेस रिस्क इज अ रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ कंपनी एसेट्स, प्राइस रिस्क ऑफ इनपुट आउटपुट, रेपुटेशनल रिस्क, प्रोजेक्ट रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क। तो इस ये सारे जो रिस्क हैं वो, और फाइनेंशियल रिस्क, तो फाइनेंशियल रिस्क इज द रिस्क ऑफ क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेक्स रिस्क एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स रिस्क। तो ये सारे रिस्क बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड रिस्क हैं। अगर हम इनको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करें तो बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी अ कंपनी विल हैव लोअर देन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। मीन से वेरिएशन, डेविएशन, वही जो एक्सपेक्टेड है, जो आपने एज्यूम किया हुआ है, जो आपकी फोरकास्टेड है, उससे वेरिएशन या डेविएशन जो कम होना, आर एक्सपीरियंस अ लॉस रेदर देन टेकिंग ए प्रॉफिट। हो सकता है कि आपको मीन से डेविएशन या वेरिएशन के बजाय इवन आपको लॉस हो जाए। तो बिजनेस रिस्क किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होता है? आपके सेल्स वॉल्यूम से, कि आपका सेल ही ना हो, या आपके पर यूनिट प्राइस, हो सकता है आपकी प्राइस डिक्रीज कर जाए, हो सकता है आपका जो इनपुट है उसकी कास्ट इंक्रीज कर जाए, हो सकता है आपके कंपेटिटर बढ़ जाएं, या आपके कंपेटिटर लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दें, या उनका प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में चलना शुरू हो जाए, आपके प्रोडक्ट की निस्बत उसके वैल्यू और वर्थ कंज्यूमर की नजर में ज्यादा हो। द ओवरऑल इकोनॉमिक क्लाइमेट, जो जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से, या गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से। तो इन से रिलेटेड बिजनेस रिस्क के जो हेडिंग्स हैं उनको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स हैं बिजनेस के। से फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन रिस्क है। तो ऑपरेशनल रिस्क समराइज द अनसर्टेनिटीज एंड हैजर्ड
a company faces when it attempts to do its day-to-day business activities within a given field or industry. तो जब वो डे टू डे प्रोडक्शन से रिलेटेड अपने एक्टिविटीज में जो उनको खतरा होता है उनके ऑपरेशंस में उनके जो इनपुट है वो ना पहुंचे, उनका आउटपुट प्रॉपरली सप्लाई ना हो, उनके उनके प्रोडक्ट के साथ कोई इश्यू हो जाए, दिस इज द रिस्क दैट मशीन विल ब्रेक डाउन, वो जो जो प्रोडक्शन के मशीन थे वो ब्रेक डाउन हो जाए, दैट डिलीवर्स द रॉ मटेरियल विल नॉट अराइव ऑन टाइम, दैट वर्कर विल नॉट शो अप फॉर वर्क, और अ न्यू टेक्नोलॉजी विल मेक द फर्म एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एब्सोल्यूट. तो ये सारी चीजें जो आपके प्रोडक्शन या ऑपरेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो रिस्क हो सकते हैं कि वो चीजें प्रॉपरली वेल एंड टाइम काम ना करें या उनमें कोई मसला आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन रिस्क. उसके बाद रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन और मिस यूज ऑफ कंपनी एसेट्स, ये भी हो सकता है. दिस इंक्लूड्स द रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय एम्प्लॉय. आपके मैनेजर हैं, आपके एम्प्लॉय हैं, अगर वो उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं आपके कंपनी के एसेट्स को, यूज ऑफ कंपनी प्रॉपर्टीज फॉर नॉन कंपनी पर्पजेज, वो उनको अपने पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, या जो चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं, जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसमें फॉल्सिफिकेशन है, रिकॉर्ड्स दुरुस्त नहीं है उनका, या क्लेम एंड पेमेंट फॉर अनड्यू बेनिफिट्स, वो जो खर्चे नहीं हुए, वो जो चीजें की नहीं उनके लिए वो अगर वो क्लेम कर रहे हैं टू एम्प्लॉय और एक्सटर्नल पार्टीज, तो ये एक उसके जो एसेट्स हैं उनकी मिस अप्रोप्रिएशन भी हो सकती है, इसका भी एक खदशा और खतरा पाया जा सकता है. तो इसके अलावा प्राइस रिस्क ऑफ आउटपुट और मार्केट रिस्क, दिस इन्वॉल्व्स दैट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल अनप्रिडिक्टेबली चेंज बिकॉज ऑफ एंटिसिपेटेड शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेज, एंड द कंपनी माइट बी फोर्स्ड टू लोअर इट्स प्राइस टू स्टे इन मार्केट. तो ये भी हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाए, या उसकी प्राइस में इंक्रीज ना हो, या उसकी प्राइस में डिक्रीज आ जाए, या कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं और कंपनी को इस तरह के प्रॉब्लम का सामना हो, इस तरह के रिस्क फेस करने पड़ जाएं. इसके अलावा प्राइस रिस्क ऑफ इनपुट भी हो सकता है. दिस इज द रिस्क दैट प्राइसेस ऑफ सम ऑफ द इनपुट of the factory will change unpredictably. There may be इसमें ये हो सकता है कि आपके फसल का नुकसान हो, crop failure हो, and price of product increase हो जाए, तो labor become expensive, हो सकता है कि आपका labor expensive हो जाए. अगर आप यहाँ product increase, price of product का मतलब ये है कि आपका जो raw material आप use कर रहे हैं, हो सकता है उसकी price increase कर जाए, failure हो या वो आपको महंगा मिले और आपके जो फाइनल गुड है वो उस तरह से न बिके, लेबर एक्सपेंस हो जाए, रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी और रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय गवर्नमेंट रेट्स को इंक्रीज करे क्योंकि आपने बाहर की मार्केट में बेचना होता है, टैक्स ऑन एनर्जी इंपोर्ट में इंक्रीज या उनकी प्राइस एनर्जी की इंक्रीज हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, टैक्स ज्यादा लग जाए, तो ये सारी चीजें प्राइस रिस्क ऑफ इनपुट में आती हैं. इसके अलावा इकोनॉमिक रिस्क भी होता है. The company face economic risk when there is a change in economic conditions. तो economic में अगर कोई change आ जाए, country के economic condition में कोई change आ जाए और वो change आपके business से related हो, तो वो आपके business को नुकसान दे सकता है. तो economic risk is the change that macroeconomic condition like exchange rate, government regulation or political stability will be affected. And investment usually one in a foreign country. तो जब आप बाहर की कंट्री में, फॉरन कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उस कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करना और उसके इकोनॉमिक रिस्क को मेजर करना और उस इकोनॉमिक रिस्क के मुताबिक रिस्क प्रीमियम को डिसाइड करना, तो ये भी एक टाइप ऑफ रिस्क है जिसको फेस करना है. पोलिटिकल को जो कि हम इकोनॉमिक कंडीशन में भी देख लेते हैं, लेकिन पोलिटिकल रिस्क स्पेसिफिकली खुद एक रिस्क है, इज ए टाइप ऑफ रिस्क फेस्ड बाई इन्वेस्टर, corporation and government. Political decisions, events and conditions will significantly affect the profitability of a business actors or the expected value of a given economic action. तो political change आ जाए, political government change हो जाए, या political parties में से कोई मसला हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा कि बेनजीर की assassination के वक्त कितना issue हुआ था, और जो भी government change हो जाती है तो वो businesses के लिए circumstances change करते हैं. पिछले government का क्या role रहा था बिजनेस के लिहाज से, वो डिफरेंट था, उसमें जो आपके इन्वेस्टर थे उनका डिफरेंट परसेप्शन था, और जो अब गवर्नमेंट आई है उसमें चेंज है, तो ये बिजनेसमैन और
जो मैनेजर्स होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो इस चीज़ को उन्होंने इस पे नज़र रखना होता है कि क्या वो चीज़ ठीक है या नहीं है, और अगर पॉलिटिकल चेंज है या पॉलिटिकल रिस्क है तो वो रिस्क कितना है, अब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट कितने साल बाद चेंज होगा, और अगर वो चेंज होगा तो क्या पॉसिबल चेंज है, और उस चेंज आने से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट एज ए डायरेक्टर और एज ए मैनेजर ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको भी कंसिडर किया जाए। इसी तरह एनवायरमेंटल रिस्क हैं। Environment can be defined as the actual or potential threat of adverse effect on living organisms and the environment by the emission, waste, resource depletion हो या वो resource पे effect पड़े, और उसके अलावा arising out of the organization's activities। इस तरह के सारे इश्यूज की वजह से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है, और एनवायरनमेंट में आपका वेदर आ सकता है, आपके उस वेदर की वजह से आपके प्रोडक्ट के डिमांड पे भी इफेक्ट आ सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हों या सैलाब वगैरह हों जिसकी वजह से आपके लेबर भी इफेक्ट होता है, आपके प्रोडक्शन भी जो आपके रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन है वो भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल रिस्क से ताल्लुक हैं। तो इसी तरह एनवायरमेंटल रिस्क के साथ साथ प्रोजेक्ट रिस्क भी होता है। प्रोजेक्ट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट प्रोजेक्ट इवेंट विल नॉट अकर एज प्लान्ड और दैट अनप्लान्ड इवेंट विल अकर दैट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे थे वो प्रोजेक्ट उस तरह से चला नहीं, या ऐसे इवेंट हो गए जो आपने प्लान नहीं किए हुए थे, या आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की वजह से भी रिस्क होता है। नोन रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड बिफोर दे अकर वाइल अननोन रिस्क आर अनफोर्सीन। तो उसमें नॉन रिस्क भी होते हैं, अननोन रिस्क भी होते हैं, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक की, तो उस पर भी नेक्स्ट लेक्चर में शरा बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क टू द प्रोजेक्ट एंड मैनेजिंग दोज रिस्क टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि हम सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करें, फिर उन रिस्क को असेस करें, फिर उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए हम डिसीजन लें। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले रेपुटेशनल रिस्क भी होता है। हर बिजनेस का अपना एक रेपुटेशन होता है, और अगर किसी न्यूज़ की वजह से या किसी प्रोडक्ट के जो क्वालिटी है वो प्रॉपर क्वालिटी ना हो उसकी और लो क्वालिटी की वजह से, तो बिजनेस के रेपुटेशन को भी रिस्क होता है, और जहरी बात है रेपुटेशन का अगर लॉस होता है तो वो अल्टीमेटली बिजनेस का लॉस है और उसके प्रॉफिट में डिक्लाइन है या इवन लॉसेस की तरफ जाते हैं। तो रेपुटेशनल रिस्क रेफर टू द पोटेंशियल फॉर नेगेटिव पब्लिसिटी, पब्लिक परसेप्शन आर अनकंट्रोलेबल इवन टू हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन द कंपनीज रेपुटेशन देयर बाय इफेक्टिंग इट्स रेवेन्यू। तो उस तरह से उनके कंपनी के रेवेन्यू इफेक्ट हो सकते हैं। तो द टर्म टेंड टू बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिस्क ऑफ अ सीरियस लॉस of confidence in an organization rather than in minor decline in reputation. तो mainly अगर consumer का या customer का confidence ही उठ जाए तो जाहिर बात है वो business के लिए बहुत ज़्यादा risk हो सकता है। तो ये थे basically risk, type of risk, what is risk, why one should take risk, unavoidable risk, avoidable risk, और avoidable risk भी फिर क्यों लिया जाता है, जैसे कि हमने discuss किया कि वो बेनिफिट्स के लिए, बोनसेस के लिए जो बाहर जाती हुई गेंद को खेलने के जाता है, तो जाहिर बात है वो अवॉइडेबल रिस्क है, लेकिन जाहिर बात है उसमें ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा गेन के लिए बैट्समैन जाता है। तो इसी तरह बिजनेसमैन भी वो रिस्क जो नहीं होता वो ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वहाँ से ज़्यादा गेन करे। तो उसके बाद बिजनेस रिस्क के टाइप्स जो हमने डिस्कस किए हैं, प्राइस ऑफ इनपुट है, प्राइस ऑफ आउटपुट है, पॉलिटिकल रिस्क है, एनवायरमेंटल रिस्क है, प्रोजेक्ट रिस्क है, रेपुटेशनल रिस्क है। तो इन सारे रिस्क के बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है, इस तरह के रिस्क को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।